डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी, मैं रणबीर सिंह राणा। बिजली दे अणऐलाने कट लग रहे ने। आम आदमी पार्टी कल नूं धरना देर जा रही है, अकाली दल दे वल्लों अज दित्ता जा रहा है। पर इसे दे विचाले सोशल मीडिया ते एक तस्वीर वायरल हो रही है, नवजोत सिंह सिद्धू दे घर दी बिजली दे बिल दी रसीद जिहड़ी है वह सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है। दस्या जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू दे बल बिजली बोर्ड का 8 लाख तो भी वध दा बकाया है। तो असी इसका फैक्ट चैक किया, वाकई ही नवजोत सिंह सिद्धू दे वल अज तक की डेट तक 8,67,000 तो वध दा बिजली बिल का बकाया है। दस दिए कि अज तक नवजोत सिंह सिद्धू दे वल 8,75,040 रुपए बिजली बोर्ड के बकाया ने। तो दस दिए कि जो पिछली पेमेंट नवजोत सिंह सिद्धू ने की सी ओ मार्च 2021 दे विच कीती गई सी, जिस दे विच उन्होंने 10 लाख रुपए का बिल भरिया सी ते उदों उन्होंने वल 17,58,000 का बिल पेंडिंग सी। तो दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी सरकार के खिलाफ तंज कसे ने, पर सवाल यह कि नवजोत सिंह सिद्धू का जिहड़ा बकाया है, जे उन्होंने समय सिर बिल नहीं भरिया की बिजली बोर्ड नूं कार्रवाई करनी चाहीदी सी? जेकर आम लोग बिल नहीं भरते तो बिजली बोर्ड कनैक्शन कट्टण आ जांदा, पर की नवजोत सिंह सिद्धू के मामले दे विच नवजोत सिंह सिद्धू के कद का उन्हां दे नेता होण दा ख्याल रख्या गया है? ये वड्डा सवाल है। तो तुहानूं दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर विचले घर का 60 किलोवाट तो भी वध जिहड़ा लोड है, अते सिद्धू दे सितंबर 2019 दे विच जिहड़ियां रसीदां सामने आईआं ने उसके मुताबिक 3,49,000 का बिल भरिया, अते उस तो बाद मार्च 2021 दे विच उन्हां दे वल 17,58,000 बकाया सी, जिस दे विच उन्होंने 10 लाख का होर बिल भरिया, तो जो हुण वध के 8 लाख तो भी वध गया है। 8,75,040 रुपए का बिल जिहड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू दे वल बकाया है। हालांकि 2 जुलाई अज की जिहड़ी तारीख है, नवजोत सिंह सिद्धू नूं जिहड़ा बिल भेजा गया वह लास्ट डेट है। हालांकि देखना होगा कि अज की डेट के नवजोत सिंह सिद्धू बिल भराउंदे ने, पर वड्डी गल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जिहड़ा बिजली बिल है वह उन्होंने वाल बिजली बोर्ड का बकाया है। बहुत सारे सरकारी दफ्तर का भी बिजली बोर्ड का जिहड़ा बकाया अक्सर तुसीं सुणदे हो, किसी पंजाब पुलिस के थाने का जिहड़ा बकाया हुंदा है जां किसी होर सरकारी दफ्तर का, आम करके बकाया बिजली बोर्ड का खड़ा रहिंदा है। तो ज़्यादातर इस ढंग के नाल पंजाब दे विच इह काम चलदा है, पर जे कोई आम खपतकार होवे तां बिजली बोर्ड के जिहड़े इंपलाइज ने वह दूजे तीजे महीने ही उसका कनैक्शन कट्टण आ जाते हैं। पर सवाल यह कि नवजोत सिंह सिद्धू ने समय सिर बिल क्यों नहीं भरिया? की उन्होंने कोई आर्थिक समस्या सी, जां फिर उन्हां तों समा नहीं लग्या बिल भरन दा, जां कोई होर कारण है? पर यह वड्डी गल हैगी है कि नवजोत सिंह सिद्धू दे वल हाले 8 लाख तो भी वध दा बिजली बिल का बकाया है। तो नवजोत सिंह सिद्धू दियां जिहड़ियां रसीदां सोशल मीडिया से वायरल हो रही ने वह सही ने। रसीदां क्योंकि वैबसाइट पर भी चैक कीतियां जा सकदियां ने, डिजिटल सिस्टम है, ऑनलाइन तुसीं चैक कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट नंबर जिहड़ा है वह शो हो रहा है, उस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे वल जिहड़ी बकाया रकम है वह खड़ी दिखाई दे रही है। तो हुण नवजोत सिंह सिद्धू दे बारे दे विच जिहड़ियां विरोधी धिरां ने उन्होंने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिते ने कि जेकर नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे लोग भी समय सिर बिल नहीं भरनगे तो पावरकॉम पहला ही घाटे चल रहा है तो होर घाटे चलिया जाएगा। जिस ढंग दे नाल तुहानूं दस दिए कि पावरकॉम लगातार घाटे दे विच भी है, तो पंजाब सरकार वल भी पावरकॉम का बकाया राशि हमेशा ही खड़ी रहती है, क्योंकि PSPCL जो सबसिडी किसानों को दिता है, जां होर जिहड़े वर्ग ने वीकर सैक्शन ने, जां होर वर्गों नूं जिहड़ी बिजली की सबसिडी दित्ती जाती है उस नूं पंजाब सरकार अदा करती है। तो करीब करीब ये जिहड़ा जो सबसिडी है वह 10,000 करोड़ सालाना की बन जाती है टोटल। तो इस बार भी पिछले समय के हुण तक 24,000 करोड़ की बिजली सबसिडी जिहड़ी आ दित्ती जा चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू का अमृतसर विचला घर है, वड्डा आलीशान घर है, जिसका 60 किलोवाट लोड दस्या जा रहा है, तो उन्होंने वल हाले भी 8 लाख का बिजली बकाया है। तो यह भी गल सामने आ रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले 9 महीनों तो बिजली बिल नहीं भरिया, पर अजिहा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के वल बकाया जरूर पुराना खड़ा है, पर उन्होंने एक बिच नूं 10 लाख की जिहड़ी मार्च 2021 दे विच 24 मार्च में एक ट्रांजैक्शन जरूर की है, तो हुण उन्होंने वल 8 लाख तो भी वध दा बकाया है। पर की इन्नी रकम खड़ी होने के बावजूद भी बिजली विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता? यह सवाल पूछा गया बिजली अधिकारियों तो, की कहना सीगा बिजली अधिकारियों का, तुसीं आप ही सुनो।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵਧਾਟਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੱਟਿਆ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੋ 22 ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਊ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤਾਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 8,68,499 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 8,68,499 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜੀ ਉਸ ਪੋਲਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਐਸ ਡੀ ਓ ਹੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਆਰਡਰ ਕੱਟਦਾ ਐਸ ਡੀ ਓ ਹੀ ਰੀਸਟੋਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ